सिंदूर डाल देना। मंडप में जय माला से पहले घुस गया आशिक। फिल्मी स्टाइल में आशिक ने भरी दुल्हन की मांग। मंडप सजा था, मंगल गीत गाए जा रहे थे, दुल्हन अपने दूल्हे का स्वागत कर रही थी, वरमाला डालने ही वाले थे कि पीली शर्ट पहने एक लड़का आया और फिल्मी स्टाइल में सिंदूर से दुल्हन की मांग भर दी। दुल्हन के रिश्तेदार ने लड़के को तमाचा जड़ दिया और उसके बाद जो हुआ वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन जो हुआ उसकी गवाही लड़के का चेहरा खुद दे रहा है। मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल ट्विटर पर जर्नलिस्ट उत्कर्ष सिंह ने ये वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, प्रेमिका ने प्रेमी से कहा कि मेरी शादी के बीच में आकर सिंदूर लगा देना। प्रेमी ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन प्रेमिका ने ये नहीं बताया कि उसके बाद क्या करना है। सिंदूर कांड के बाद लड़की के घर वालों ने प्रेमी की पिटाई कर दी। लड़का अस्पताल में है। दोनों तरफ से थाने में शिकायत दी गई है। लड़के का नाम मुकेश है और वो बिहार के मुबारकपुर का रहने वाला है। मुकेश के मुताबिक उसकी प्रेमिका ललिता ने ही मंडप में आकर फिल्मी स्टाइल में सिंदूर लगाने को कहा था, लेकिन उसके आगे क्या करना है ये तो नहीं बताया। सुनिए मुकेश के प्यार की दर्द भरी दास्तां मुकेश की जबानी। बोली की जयमाला पे आके डाल देना या मंडप बना के डाल देना। सिंदूर डाल देना तो तुम जयमाला पे चढ़ करके सिंदूर डाल रहे थे, इसी दौरान दोनों पक्ष के लोग तुमको पीटा। खाली लड़की देने वाला पीटा। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। कहाँ घर है? मुबारकपुर। लड़की का क्या नाम है? ललिता। कितने साल से अफेयर चल रहा? 13 से 14 महीना। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? 9 में। पढ़ाई छोड़ दिया। कितना दस साल पहले पढ़ाई छोड़ा? 2 साल पहले। लड़की साथ में पढ़ती थी, प्यार कैसे हुआ था? अगर मुकेश सच कह रहा है तो उसका मासूम इश्क अधूरा रह गया। बेचारे मुकेश को ना ही उसका प्यार मिला और ना ही उसके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए ललिता का हाथ। मुकेश का प्यार तो जरूर फिल्मी है, लेकिन उसकी लव स्टोरी का दी एंड काफी दर्दनाक है। ये बेदर्द जमाना मुकेश के प्यार को नहीं समझ पाया। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज बी। लेकिन हट दीवारी गलती भाई कर रहे हैं।